हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू साइलेंस एडिटिंग जोन। आज की इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की सीवी फोटो एडिटिंग जो देखने में काफ़ी औसम सी लग रही है, और इस फोटो को हम लोग स्टेप बाय स्टेप एडिट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा मजा आने वाला है, तभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को इस प्लस वाली आइकन पे क्लिक कर देनी है, और क्लिक करने के बाद आपको एक बैकग्राउंड को ले लेनी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपली हम लोग इस वाली बैकग्राउंड को ले लेते हैं। देन गाइस, बैकग्राउंड को लेने के बाद आप लोगों को अपनी फ़ोटो को ऐड करना है। तो फोटो को ऐड करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे यहाँ से, और नीचे आप लोग चले आएंगे, आप लोगों के सामने एक डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, प्लस वाली आइकन पर क्लिक के अपनी फ़ोटो को हम लोग ऐड कर लेंगे एग्जांपल के लिए। और इस फोटो को ऐड करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर देनी है इस फोटो को। देन दोस्तों, कुछ इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद आपको सिंपली इस वाली आइकन पर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को हम लोग एकदम फुल कर देंगे, और फुल करने के बाद सिंपली यहाँ से आप लोगों को राइट पर क्लिक कर देनी है। और क्लिक करने के बाद आपको इस फोटो का जो है बैकग्राउंड इरेज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, व्यू एडिट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके हम लोग सिंपली यहाँ से ब्रश को ले लेंगे। देन गाइस, ब्रश को लेने के बाद यहाँ से कोने साइड पे हम लोग क्लिक करेंगे, और साइज यहाँ से आपका सिंपली 0 हो जाएगा। और 0 होने के बाद अपनी फ़ोटो को कुछ इस टाइप से आप लोग जूम करिएगा, और कुछ इस टाइप से आप लोग बैकग्राउंड को इरेज कर दीजिएगा। फ़ोटो को फुल जूम करके आप लोग कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड को रिमूव करिएगा। मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, आप लोग बिल्कुल आराम से करिएगा, थोड़ा सा टाइम देकर तो काफ़ी अच्छा से इरेज हो जाएगा। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, आप लोग आराम से करिएगा। हाँ तो बस सिंपली आप लोगों को ऐसे बैकग्राउंड इरेज करने के बाद सिंपली आपको लोगों को यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सिंपली बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका जो भी शर्ट है या टी शर्ट है उस पर कुछ कलर डालने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, डबल एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे, प्लस वाली आइकन पर क्लिक करेंगे, और एक कलर पैनल को हम लोग ले लेंगे, और उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस कलर पैनल को हम लोग ले लेते हैं। तो इस कलर पैनल को लेने के बाद सिंपली आप लोगों को नीचे तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हम लोग बीच वाले पे क्लिक करेंगे, और सबसे लास्ट में आप लोगों को एक ओवरले का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। देन गाइस, क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे, व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेंगे। देन गाइस, ब्रश को लेने के बाद यहाँ से आपका साइज जो है 100 हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग अपने शॉट पे कुछ इस टाइप से इरेज करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, आप लोग आराम से करिएगा, आप पूरा ड्रॉ कर दीजिएगा जो भी आपका शॉट है या टी शर्ट है। जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा पार्ट ऐसे ही रह जाता है अपने बॉडी पे, तो वहाँ से आप सिंपली यहाँ से साइज को 0 करके ऐसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देन गाइज, आपको इतना करने के बाद शर्ट पे अपने कलर डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है, और बैक हो जाने के बाद आप लोगों का फ़ोटो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो इस वाले अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपने हेयर पे एक टैटू डालेंगे। तो टैटू डालने के लिए हम लोगों को सिंपली कुछ भी नहीं करना है, बेहद सिंपल स्टेप है। और टैटू डालने के लिए हम लोग इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे, नीचे आप लोगों को डबल एक्सपोजर मिल जाएगा, क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, और आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, और एक टैटू को हम लोग ले लेते हैं, और उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उस टैटू को आप लोग सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से सिंपली हम लोग इसे ले लेते हैं, और इस टैटू को लेने के बाद आपको सिंपली ऐसे छोटा करना है, और अपने हेयर पे कुछ इस टाइप से लगाना है,
देन गाइज लगाने के बाद सिंपली आप लोगों को इस वाली आइकन पे क्लिक करके और सिंपली इसे हम लोग यहाँ से ऐड कर देंगे। देन गाइज ऐड करने के बाद इसको सिंपली आप लोगों को यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, इस फोटो को इस तीर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, नीचे साइड में तीर वाला जो ऑप्शन है इस पर हम लोग क्लिक करके इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेंगे। देन गाइज ये फ़ोटो हमारी शेयर हो चुकी है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे, और जिस फोटो को हम लोग ने शेयर किया है अभी को उस फोटो को कुछ इस टाइप से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो भी है गाल है वहाँ पे कुछ इस टाइप से अपनी फ़ोटो को ऐसे जूम करिएगा, स्किन जो है स्किन है जो अपने टैटू पर लगाइएगा, और टैटू पर लगाने के बाद सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक करना नीचे साइड में बीच वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से सिंपली हम लोग डार्केन कर देंगे। देन गाइज डार्केन करने के बाद आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से हो जाएगी, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे, व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके यहाँ से सिंपली हम लोग ब्रश को ले लेंगे। देन गाइज ब्रश को लेने के बाद आपको यहाँ से साइज को 100 कर देनी है, और अपनी फ़ोटो को कुछ इस टाइप से जूम करेंगे, और जो भी टैटू है उस पर कुछ इस टाइप से हम लोग ब्रश कर देंगे, और ब्रश करते ही आपकी हेयर में कुछ इस टाइप से टैटू ऐड हो जाएगी जो देखने में काफ़ी ओसम सी लग रही है। और बेहद इजी स्टेप में आप लोगों को टैटू ऐड करना सिखा दिया हूँ, और इतना करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ से राइट पर क्लिक कर देनी है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों को बैक हो जाना है। तो सेकेंड अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, और ऐसे आप लोग ऊपर चले आएगा आप लोगों के सामने एक डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली हम लोग इस वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से इसकी पहले स्ट्रक्चर को जो है ऐसे इंक्रीज कर लेंगे हम लोग 25 कर लेंगे। देन गाइस इतना करने के बाद सिंपली यहाँ से आपको राइट पे क्लिक कर देनी है, और इतना काम हमारा हो चुका है, देख रहे हैं टैटू। और क्या करना हम लोगों को, हेयर कट करना है और हेयर को एडिट करना है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस फोटो को शेयर कर लेंगे ऑटोडेस्क स्केच बुक में। तो उसके लिए हम लोग इस शेयर नीचे साइड में तीर के आइकन पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से इस फोटो को हम लोग शेयर कर लेंगे ऑटोडेस्क स्केच बुक में। तो यहाँ से सिंपली हम लोग शेयर कर लेते हैं। देन गाइस फोटो को शेयर करने के बाद अपनी फ़ोटो को कुछ इस टाइप से हम रोटेट कर लेंगे, और यहाँ पे आपको साइड में कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो सिंपली आप लोगों को इस वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप लोगों को इस वाले कई सारे ब्रश मिल जाएंगे, तो आपको इस कटघरे में आके सिंपली इस वाली ब्रश को ले लेना है। और ब्रश को लेने के बाद आपको यहाँ पे साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और ये आप लोग सेटिंग देख सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को हम लोग क्या करेंगे 100 कर देंगे, और फ्लो को हम लोग क्या करेंगे सिंपली यहाँ से 60 कर देंगे, और साइज़ को आप लोग यहाँ से 4 कर दीजिएगा। 4 करने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ से बैक हो जाना है, और उस साइड में आपको इस वाली आइकन पे क्लिक करना है, और इस वाली ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है, और करने के बाद आपको यहाँ पे कई ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसे मैं ये वाला ले लिया हूँ, और लेने के बाद कुछ इस टाइप से अपनी फ़ोटो को आप लोग जूम करिएगा, और जूम करने के बाद कुछ इस टाइप से लगा के, और आपको सिंपली कुछ इस टाइप से ऐसे इरेज करना है। देन गाइस इरेज करते ही आपकी हेयर पे कुछ इस टाइप से कट आउट हो जाएगी, तो इतना होने के बाद आपको यहाँ से कट भी क्लिक कर देना है, आपके हेयर पे कट भी हो चुका है। और फिर से क्या करना है, आप लोगों को अपनी हेयर को एडिट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फिर से इसी वाले टूल्स पर हम लोग क्लिक कर देंगे, और इसकी लाइब्रेरी में चले आएंगे, और इस बारी हम लोग को इस वाली ब्रश को लेना है जो ऊपर साइड में कोने पे पहले नंबर पे, इस वाले को। और लेने के बाद इसकी साइज़ को आप लोग देख सकते हैं, आप लोग साइज़ को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, साइज़ आपको इतना ही रख लेना है, और सेटिंग भी इतना ही रख लेंगे। और लेने के बाद सिंपली यहाँ से कट पर हम लोग क्लिक कर देंगे, और अपनी फ़ोटो को कुछ इस टाइप से आप लोग जूम करिएगा, और कुछ इस टाइप से आप लोग हेयर को एडिट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। पहले तो आप नीचे साइड में कुछ इस टाइप से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हेयर फेक ना लगे, कुछ इस टाइप से। और फिर फ़ोटो को जूम करके कुछ इस टाइप से आपको हल्के हल्के हाथों से कुछ इस टाइप से हेयर को करना है, जिसके कि रियल तरीके से लगे हाँ कि हेयर एडिट किया गया है।
देन दोस्तों इतना करने के बाद आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से बन के हो जाएगी, और आप लोग देख सकते हैं कितना इजी वे में आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से बन के तैयार हो चुकी है, कितना ऑसम सी लग रही है। और इस फ़ोटो को आप लोग को सेव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इस वाली आइकन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, और यहाँ से गैलरी पे क्लिक करके सेकंड नंबर पे क्लिक कर देंगे और आपकी फ़ोटो जो है गैलरी में सेव हो जाएगी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।